कहता हूं कि गोपालगंज की महान जनता ने जिस तरह चार बार से हमको चुनाव जिताने का काम कर रही थी, पांचवी बार भी जिताया, इसके लिए विशेष तौर पर हम धन्यवाद देना चाहते हैं। जहां तक मोकामा की बात है, मोकामा में सरकार हार गई, वहां छोटे सरकार जीत गए। और आप समझिए, सरकार इसलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी के साथ जाने के बाद भी 2000 वोट वहां पर राष्ट्रीय जनता दल का घट गया, तो इसका मतलब हम नीतीश कुमार का कोई कैडर वोट नहीं है। और हमारा 18000 वोट बढ़ गया, 43000 वोट पिछले बार एनडीए प्रत्याशी को आया था, इस बार लगभग 61000 वोट प्राप्त हुआ। ये प्रतीक है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुके, और बिहार की जनता ने गोपालगंज भारतीय जनता पार्टी जहां जिताने का काम किया, और गोपालगंज में सरकार तो हार गई, छोटे सरकार जीत गए। कहना है कि अगर चिराग पासवान मोकामा में लास्ट दिन रोड शो नहीं करते तो जितनी वोट आप लोग को आई है वो भी नहीं आती। अच्छा, वोट किसको आई? वोट तो भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप को आई ना। जनता दल यूनाइटेड को जब एनडीए समर्थन दे रहा था तो मात्र 43000 वोट प्राप्त हुए थे। हमने तो यही कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जब अनंत सिंह जी थे, जो छोटे सरकार के नाम पे जाने जाते हैं, उनको 78000 वोट था, और नीतीश जी के जाने के बाद 2000 वोट क्यों घट गए? इसका मतलब नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुके हैं। नीतीश कुमार प्रचार करने नहीं गए, नीतीश जाए या ना जाए, अब बिहार की जनता उनको समझ चुकी है। और 2024 में आप देखिएगा, ये तो ट्रेलर है, 2024 में नीतीश कुमार इसी तरह अप्रासंगिक होंगे, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम यहाँ 39 सीट जीते थे 19 में, फिर 39 सीट जीतने का एक काम। सवाल है कि अगर निर्दलीय चुनाव न... गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए मैं गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं को, एनडीए के तमाम नेताओं को हृदय से बधाई देता हूँ। लेकिन मोकामा विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल की जीत छोटे सरकार की जीत है या सरकार की जीत नहीं है? मोकामा और गोपालगंज के मतदाताओं ने लालू नीतीश के सात दलों के महागठबंधन को पूरी तरह से नकार दिया। मोकामा की जीत लालू नीतीश की जीत नहीं बल्कि अनंत सिंह की जीत है, छोटे सरकार की जीत है। पिछले सात चुनाव में अनंत सिंह और उनका परिवार 6 बार चुनाव जीत चुका है। पार्टी चाहे आरजेडी हो, जनता दल यू हो या निर्दलीय हो, हर बार जीत अनंत सिंह की होती रही है, न कि किसी पार्टी की। इसलिए जनता दल यू राजद यह अहंकार न रखें कि यह जीत उनके कारण हुई है।